अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब भाई खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम आपको दिखा रहे हैं एक बड़ा बेहतरीन सा सेटअप, खूबसूरत सा सेटअप हमारे दोस्त उन्होंने बनाया है, तो तीतरों के लिए बनाया है। वैसे आप कुछ भी रख सकते हैं जो इसके अंदर फिट आए, तो ये आज आपको दिखा रहे हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो में बहुत जल्द अपलोड करूंगा, लेकिन आज की वीडियो में भी मैं आपको इसके एक तो ये दिखा रहा हूँ सेटअप कैसा, और मोटे मोटे बताऊंगा और इसको आपको बताऊंगा कि कितनी कॉस्ट आई है टोटल इस पूरे सेटअप को बनाने में। इसकी थोड़ी सी डिटेल आपको मोटी मोटी आज दूँगा। तो ये जो आप देख सकते हैं, जो आपको नज़र आ रहा है, ये तकरीबन 3 बाय 3 फीट का एक खाना है, ठीक है। ऊपर नीचे 3 खाने और हर खाने की हाइट तकरीबन 2 फुट है, तो टोटल 9 खाने हैं। 3 बाय 3 फुट का एक खाना हो गया, 2 फुट हाइट हो गई। और इसमें जो आप देख सकते हैं, जो साइड वाली 2 दीवारें हैं कमरे की, जो 2 बड़ी साइड वाली दीवारें हैं, ये ऑलरेडी बनी हुई थी। तो इन दीवारों के अलावा जो बाकी दीवार बीच में 2 दीवारें बनाई गई हैं पार्टीशन के लिए, खुंडों के बीच में जो 2 दीवारें हैं वो ब्लॉकों की बनाई गई हैं, और जो छत डाली गई है खुंडों की बीच में, 2 छतें जो हैं ऊपर नीचे, ये तैयार छतें जो मिलती हैं वो डाली गई हैं। तो इस सब की कॉस्ट, मतलब जो 2 दीवारें हैं शेड वाली बड़ी कमरे की, इसको निकाल के, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बनी हुई थी, तो इन सब की कॉस्ट तकरीबन 26-27 हज़ार से लेके 30 हज़ार रुपये तक इनकी कॉस्ट आई है। साइज़ भी बता दिया आपको, मटेरियल भी बता दिया, और जो फ्रंट पे जो शीट सी लगी हुई है ना रेड से कलर की खूबसूरती के लिए, ये फ्लोर शीट इन्होंने ले ली है और उसको काट के इसके साइज़ के मुताबिक वो इसके साथ चिपकाई हुई है। फ्लोर शीट जो होती है आमतौर पे मिल जाती है, प्लास्टिक की फ्लोर शीट होती है एक, तो ये इन्होंने वो लगाई हुई है इसके ऊपर फ्रंट पे, तो इससे ये कि खूबसूरत भी लग रहा है। बाकी बीच में लाइटिंग वगैरह हुई हुई है, तो इंशाल्लाह इसके अंदर उन तीतरों का सेटअप लगाया, इसमें तीतरों के जोड़े रखे हैं, तो इंशाल्लाह जल्दी इसके ऊपर मैं इनका इंटरव्यू लूँगा, डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा, इंशाल्लाह आपको और मज़ा आएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।